गाइस आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ये मौका मिला। हेलो वर्ड्स लवर, तो आज की जो वीडियो है वो हमारी इस बारे में है कि अगर आपकी बजी आपके जो पेयर है वो अगर उसकी ब्रीडिंग कर रही है, उनमें से जैसे उसने दिए 7 अंडे, और अगर उसमें से वो 7 अंडों में से 3-4 अंडे या फिर एक भी अंडा बाहर निकाल रही है, जैसे कि मेरी बजी ने निकाला है आज। उसने आज ये 2-3 बार निकाल दिया। पहले उसने 2 अंडे निकाले थे, अब इसने 3 अंडे निकाल दिए। तो मैं अब सोच रही हूँ कि इसको एक बार चेक कर लेती हूँ, अगर इसमें से मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी मिलती है कि इसमें जो बेबी है वो जिंदा है, तो मैं इस पर आके प्रोसेस करूँगी इसको निकालने का। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप होने वाली है। अगर आप भी परेशान हैं कि आपकी बजी बार बार एग देती है और उसको वो कभी भी है ना पूरी तरह से उसको बाहर मैच्योर नहीं कर पाती, तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो हाँ, आगे तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमारे ये एग है ये फर्टिलाइज है कि नहीं है, ऐसे बेबी है कि नहीं है। वैसे तो मुझे आवाज़ आ रही है, एक बार चेक करते हैं कि वो बेबी निकलने के लिए एकदम रेडी है या फिर नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन कर लेनी है, अंधेरा करके पूरा, और फिर उस एग को आप प्लेस कर लीजिए फ्लैशलाइट के ऊपर। और फिर जब अगर आपको पूरा जो एग है वो ऐसे फिल्ड नज़र आए, जैसा कि हमें इसमें दिख रहा है फील्ड एकदम, तो ही आपको है ना ये वाला प्रोसेस आगे करना है, अदरवाइज नहीं करना आपको ये प्रोसेस। आके आपको बीबी की आवाज़ सुनाई दे रही है इसमें, वो फुल मैच्योर है बाहर आने के लिए। तो अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे, हमारा एक एकदम पककर तैयार है, ठीक है। अब हम इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। गाइस आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये स्टेप करते वक्त आपको एकदम बहुत ही सावधानी के साथ में स्टेप परफॉर्म करना ही वाला। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला स्टेप परफॉर्म करके, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपको इसको करना है, क्योंकि जो बर्ड की स्किन है वो इससे अटैच्ड होती है। देखिए ये जो प्रोसेस है आपको एकदम सावधानी से करना है, क्योंकि जो इसमें जो बच्ची का बेबी है वो बहुत ही नाजुक कंडीशन में है और उसकी जो स्किन है वो इससे अटैच्ड होती है, तो हमको बहुत ही सावधानी से करना है, एकदम अलर्टनेस के साथ में। अगर हम इस ऐसे अलर्ट होके नहीं करेंगे, सावधानी से नहीं करेंगे, तो इससे हमारे जो बेबी का बेबी की स्किन है या फिर जो एग है उसकी वजह से बेबी को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत ही हल्के हाथों से आपको ये परफॉर्म करना है। गाइस देखिए, हमने इतना बाहर निकाल लिया है, हमारा बेबी बिल्कुल, हमारा जो बजी का बेबी बिल्कुल सुरक्षित है। गाइस देखिए, मैंने इतना इसे बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इसमें ये एकदम सुरक्षित है। अब मैं इसे और हल्के हल्के हाथों से वापस से निकालने की पूरी कोशिश करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। आपको बहुत ही, मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसको करना है। देखिए कितनी डेलिकेट स्किन है, देखिए
इतनी डेलिकेट स्किन है, हमें इसको इसके लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना है। ये थोड़ा सा और निकल के आया बाहर। ठीक है गाइस, ये इतना बाहर आ चुका है। इसे भी बाहर आने की बहुत जल्दी है। देखिए कितना प्यारा सा बच्चा है, बहुत हल्के हाथों से गाइस, बहुत हल्के हाथों से निकालना है, बहुत ही हल्के हाथों से। आप देख पा रहे होंगे कि इसके स्किन टेस्ट है उससे, देखिए ये खुद भी बाहर आने के लिए बहुत मचल रहा है कि मुझे बाहर निकालो। देखिए इतना प्यारा सा है, बिल्कुल इंसानों के बच्चों की तरह। पैर बाहर निकाल लिए इसने पूरे, निकालो मुझे जल्दी से बाहर निकालो, मुझे जल्दी से बाहर निकालो, ऐसा बोल रहा है। हाँ मैं निकाल रही हूँ, बस थोड़ा सा और। इस टाइम पे आपको और भी ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से। ये देखिए हमारा बेबी बाहर आ चुका है, ओटी भी की हुई है इसने। देखिए वाओ, फाइनली बेबी बाहर आ चुका है, एक नन्ही सी जान कैसी लग रही है। मैं इसको एक बार तो उसकी मम्मी के पास छोड़ूंगी, फिर देखते हैं कि उसका क्या रेस्पॉन्स रहता है। इतना छोटा सा बेबी है, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला ये इस नन्ही सी जान को बचाने का। वरना तो अगर मैं इस पर ध्यान नहीं देती, अगर मुझे पता नहीं चलता कि ये है, मतलब कि इसमें इसको चेक नहीं करते हम, तो हमें पता नहीं चलता कि इसमें ये जो बच्चा है वो जिंदा है या मर गया है। कई लोग, हाँ गाइस एक और बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि कई लोग जो हैं वो ये सोच के अंडे को फेंक देते हैं, अगर उनके बच्चे अंडे को बाहर निकाल देती है मटकी से, तो कई लोग ये सोच के उसे फेंक देते हैं कि हो सकता है कि वो अंडा ख़राब है। तो ऐसा करने से पहले सबसे पहले आप उसको अंडे को चेक कर लें अच्छे से, जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया है वैसे आप उसे चेक करें कि वो फर्टिलाइज्ड है या अनफर्टिलाइज्ड है। अगर वो फर्टिलाइज्ड होता है, अगर आपको फर्टिलाइजेशन पे भी पूरी डिटेल से जानना है कि कैसे हमें पता चलेगा कौन सा अनफर्टिलाइज्ड है कौन सा फर्टिलाइज्ड है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वो फर्टिलाइज्ड है तो आप उसे वापस से मटकी में छोड़िए और फिर बाद में अगर वो जैसे अगर ऐसे फुल्ली मैच्योर हो तो आप उसे बाहर निकाल के भी उसकी माँ के पास में वापस छोड़ सकते हैं। तो मैं छोड़ने जा रही हूँ उसकी माँ के पास में वापस से। अब मुझे लगता है कि वो उसे संभाल लेगी, क्योंकि मैं इसके साथ में कोई रिस्क नहीं ले सकती। अगर हाँ इसकी माँ नहीं होती अभी हमारे पास में अवेलेबल, इसकी माँ हमारे पास नहीं होती तो फिर भी हम कुछ सोचते करने का इसको संभालने का, लेकिन सबसे पहला हक तो उसी का ही है, तो हमें उसी को ही देना पड़ेगा ये कि वो संभाले इसे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू, हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, थैंक यू। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात आपको पूछनी हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी से, तब तक के लिए जय श्री राम।
गाइस आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे ये मौका मिला और इसकी जान बच गई, मुझे इसकी जान बचाने का मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत ही भगवान की शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए कितना प्यारा सा बेबी है, थैंक गॉड हम इसे बचा पाए, नहीं तो बेचारा मैं इसका अगर चेक नहीं करती ना तो ये कुछ नहीं हो पाता, इसका मर जाता बेचारा बच्चा। चलिए ठीक है गाइस, आज आज के लिए इतना ही, बाय बाय।